मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा कुमारी, राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय चंदवा, मैं गणित की शिक्षिका हूँ। और आज हम लोग 10वीं कक्षा का पाठ निर्देशांक ज्यामिति में से एक टॉपिक विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक x अक्ष बनाते हैं, x x डैश, और एक y y डैश यानी कि y अक्ष बनाते हैं। इसमें हम लोग दो बिंदु लेते हैं, कोई सा भी, ए और बी। ए ए का निर्देशांक है एक्स वन वाई वन और बी का निर्देशांक है एक्स टू वाई टू। मान लेते हैं कोई बिंदु है पी एक्स वाई जो इस रेखाखंड को एम वन अनुपात एम टू में विभाजित कर रही है। अब हमें पता करना है कि ये जो बिंदु है पी एक्स वाई, तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। इस तरह से हमें एक सूत्र प्राप्त है, x बराबर m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस एक सात और चार माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपात तीन के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो जो बिंदु है वो है पी एक्स वाई। अब हम लोग एक रेखाखंड बनाते हैं ए बी। ये जो रेखाखंड है इसमें ए का निर्देशांक दिया हुआ है प्रश्न में माइनस एक सात, और बी जिसका निर्देशांक दिया हुआ है चार माइनस तीन। इसे हम अपने सूत्र में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसे मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, और बी वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग एक्स टू वाई टू। इस तरह से कंपेयर करने पर हम लोग पाते हैं कि एक्स वन बराबर माइनस एक है, वाई वन बराबर सात। इसी तरह से x2 बराबर चार हो जाएगा और y2 बराबर माइनस तीन। m1 यहाँ पर हम लोग दो को मानेंगे और m2 तीन को मानेंगे। अब सारे मानों को हम लोग इस सूत्र में बिठाते हैं। x का मान निकालने के लिए m1, m1 का मान है दो, यहाँ हम लोग दो लिखेंगे, गुना में x2, x2 का मान हमारा चार है तो हम यहाँ